हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपको एक बार फिर से हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन वापस इसलिए क्योंकि कल यहाँ मनाया गया था, आज हमारे यहाँ मनाया जा रहा है, और राखी को लेके हमारे यहाँ बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, वो मैं आप लोगों को सब बाद में बताती हूँ। अभी मैं जल्दी जल्दी अपने घर का सारा काम निपटाया, नहाई धोई और मैं आई, और मैं तैयार होंगी, अपने भाई को वीडियो कॉलिंग करूँगी क्योंकि वो 9 बजे से ही परेशान है और सुबह के बज चुके हैं 10:30। तो मैंने उससे कहा कि रुको थोड़ा अपना थोबड़ा ठीक कर लूँ फिर तुम्हें करती हूँ। तो मेकअप तो मैं बहुत ज़्यादा करती नहीं हूँ, अपने फेस को वॉश कर लिया है फेस वॉश से। ये मैं मैजिक अरोमा का यूज करती हूँ और लेवेंडर फेस वॉश है, ये है क्रीम बेस्ड फेस वॉश क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है और मेरे पे जेल वाली फेस वॉश सूट। सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस पे डाबर का गुलाब जेल एज ए टोनर। उसके बाद मैं ये पॉन्ड्स का लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज करूँगी, ये मैं डेली लगाती हूँ। ये पिंपल हो गया है मुझे थोड़ा। उसके बाद मैं यूज करूँगी सीसी क्रीम, ये लैक्मे का 9 to 5 है। ये मैं क्या बोलते हैं उसको, फाउंडेशन मेरे पे सूट नहीं करता इसलिए मैं ये सीसी क्रीम ही यूज करती हूँ। इसको मैं अच्छे से लगा लूँगी। देन मैं लगाऊंगी ये लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर थोड़ा सा सेट होने के लिए सीसी क्रीम का। उसके बाद मैं लगाऊंगी काजल। काजल के बिना तो मेरा नहीं चलता क्योंकि काजल नहीं लगाती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूँ। मेरी आईब्रोज थोड़ी सी ब्राउन है इसलिए मैं यूज करूँगी ये पेंसिल, इससे मैं थोड़ा सा सेट कर लूँगी आईब्रोज को। उसके बाद मैं ये लगाऊँगी लिप बाम, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था नायका से। उसके बाद मैं ये यूज करूँगी शुगर की लिपस्टिक, ये मैट लिपस्टिक है, इसको भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, काफ़ी अच्छा है ये वाला। तो और लास्ट में मैं लगाऊँगी बिंदी। तो चलिए तैयार हो गई मैं, अब मैं जा रही हूँ जो मैं ऑनलाइन मंगाई हूँ सूट उसको मैं पहनूंगी और फिर आपसे मिलती हूँ। फाइनल लुक, तो ये मैंने 3-piece सूट पहना हुआ है जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया था। इसका कलर है पिंक पर्पल के टोन में जो कि काफ़ी मुझे प्यारा लगा, और इस पे गले पे है जरी वर्क और इसका फैब्रिक भी है चंदेरी सिल्क में, और इसके साथ ये जो दुपट्टा मिला है ये मुझे काफ़ी पसंद है, इसको मैं लहंगे के साथ भी यूज़ कर सकती हूँ। मतलब ये मैंने सूट मंगा लिया था 2 महीने पहले ही, और मैंने सोचा था कि चलो रक्षाबंधन के दिन ही इसको पहनूंगी क्योंकि क्यों पैसे वेस्ट करना। और ये मेरा मतलब मुझे पहन के इतना कंफर्टेबल लग रहा है, मतलब ये मेरा फेवरेट सूट बन गया है अब, इसको मैंने पहना नहीं था। तो चलिए मैं अपने घर पर वीडियो कॉलिंग करूँगी फिर आपसे मिलती हूँ। तो अभी मेरे घर पर बात हो चुकी है और मेरी कज़िन सिस्टर आई थी, उसने सबके बदले राखी बांध दिया, उसको मैं भी वीडियो कॉलिंग पर थी। ऐसे ही क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, अब दूर रहना पड़ रहा है, और 4-5 साल हो गए मैं तो रक्षाबंधन पे पहुंच ही नहीं पाती हूँ क्योंकि इतना दूर रहने की वजह से आना जाना नहीं हो पाता है। तो जी ठीक है, जैसा भी है, अब क्या कर सकते हैं। राखी बांधने को लेके कन्फ्यूजन इसलिए हो गया था हमें क्योंकि कितने तारीख को, 10 तारीख को 8 बजे मम्मी जी का कॉल आया था और उन्होंने कहा था कि 11 बजे तक राखी बांध लेना क्योंकि शुभ मुहूर्त नहीं है 11 तारीख तक, 11 तारीख को। फिर हमने क्या किया, ये ऑफिस है 10 तारीख की रात को और 11 बजे तक राखी वाखी बांध लिया, कॉल वॉल नहीं किया, मतलब फिर एकता को कॉल वॉल नहीं किया क्योंकि रात को क्या डिस्टर्ब करना। अब बेचारी क्या है, राखी होके मान लिया, फिर बेचारी सुबह तैयार होकर, मतलब 11 तारीख को तैयार वार होकर वीडियो कॉलिंग कर रही है अपने भाई को विश करने के लिए। ये राखी होके बांध के पहले से ही बैठे थे। तो अब फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी अपने घर पे मतलब विश कर दूँ अपने भाई को। फिर क्या हुआ कि जब मैंने कॉल किया तो कहता है कि नहीं हमारे यहाँ राखी 12 तारीख को है, 11 तारीख को रात को 8:30 बजे से मुहूर्त है इसलिए कोई नहीं मना रहा, यहाँ पर सब 12 तारीख को मनाएंगे।
तो कल भी राखी मनाया, आज भी राखी मनाया। तो चलिए, जस्ट अभी अभी हमारा डिनर ख़त्म हुआ और मैंने बनाया था सेवई आज, और उसकी रेसिपी मैं सूट नहीं कर पाई। मम्मी का कॉल आया था कि आज कुछ मीठा बना लेना, इसलिए मैंने सबसे ईजी वही बना दिया। मीठा तो मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ और वैसे भी आजकल नहीं खा रही हूँ, तो थोड़ा सा ही बनाया था। तो फिर कभी मैं सेवई की रेसिपी आप लोगों के साथ मतलब शेयर करूँगी, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।